इन शॉर्ट एरियल के बारे में जो अभी हमने पोएम में पढ़ा था और उसका जो टेक्स्ट पढ़ा है, दैट इज बेसिकली एक जर्नी उसने दिखाया है जो कि वो एक हॉर्स पे करती है. सिल्विया प्लाथ जो है वो अपनी इनर फीलिंग्स, अपनी फीवर और फ्रेट से शायद भागना चाहती थी. उसने अपने आप को लेडी गॉडिवा से इसलिए कंपेयर किया कि एक्चुअली वो एक बीवी शायद बन के रह गई थी आफ्टर मैरिज, एंड शी वॉन्ट्स टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम दैट हाउस होल्ड लाइफ. उसको घर की चार दीवारी जो है शायद वो जो है या उसका जो मैरिटल स्टेटस था वो उसके लिए हर चीज में एक लगान बन के रह गया था. और जब भी वो, जाहिर बात है, औरत कुछ भी करने का सोचती है, सबसे पहले उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो उसके रास्ते में आता है. तो दैट इज द सेम मैरिटल स्टेटस. नॉर्मली नॉर्मली हम लोग खवातीन जो है उनको यही लगता है कि हर चीज जो है, अगर हमारी खुशियों के कोई चीज रास्ते में है तो वो शायद हमारा मैरिटल स्टेटस है. हालांकि ये एक बहुत गलत सोच है कि हमारे बच्चे रास्ते में आ जाते हैं या हमारा हस्बैंड रास्ते में आ जाता है या ये है वो है. देयर इज अ मेनी थिंग जो कि लाइफ के साथ, मैंने कहा था ना, वक्त के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं. रिश्ते जब बदलते हैं तो उसको निभाने के अंदाज बदल जाते हैं. तो हर चीज के निभाने का अंदाज निराला ही होता है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिल्विया प्लाथ, उसके लिए वो जो उसकी आफ्टर मैरिज जो थी, जो लाइफ थी, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है जिसे कहना चाहिए कंजेस्टेड लाइफ थी. और वो जो है एक ऐसे हॉर्स पे राइड करना चाहती थी जो कि फुल ऑफ फ्रीडम हो. अब इसके अंदर ना सिर्फ वो फेमिनिज्म, क्योंकि वो फेमिनिस्टिक पोइट थी ना, फेमिनिज्म पे उसने सारी पोइट्री लिखी थी जिसमें वो मर्द और औरत के बराबर हकूक की बात करती है, औरत की आज़ादी की बात करती है कि औरत को जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी आज़ादी होनी चाहिए, एज वेल एज के उसको घर के साथ साथ जो है ये सारा कुछ. लेकिन जब औरत को आज़ादी मिली तो बेचारी औरत जो है वो खुद ही जिसे कहना चाहिए फंस गई कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सफर कर ना सका. तो बेटा ये हमारा फिर वही हाल हो जाता है कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका. तो सिल्विया प्लाथ इज वन ऑफ देम जो कि अपने ही अफकार की दुनिया में फिर सफर नहीं कर सकी थी. और ये उसकी आखिरी आखिरी पोएम थी जो उसने एट द एंड जो लिखी थी, और अपनी लाइफ के बिल्कुल आखिरी एक दौर में उसने लिखी और जिसके बाद उसने सुसाइड कर ली थी. तो दैट इज द एरियल, और एरियल इज उसके घोड़े का नाम था. और एरियल जो है, आपने वो याद होगा, आपको रेप ऑफ द लॉक में भी एरियल पढ़ा था, एक सेल्फ था जो कि उड़ जाता था और जहाँ मर्जी चला जाता था. तो शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर लाइफ फॉर एवर, और शी वॉन्ट्स टू या उसको फ्रीडम चाहिए थी अपनी लाइफ में, हर तरह से फ्रीडम चाहिए थी. तो दैट इज द थिंग, दैट इज द जर्नी टूवर्ड्स द लाइफ, और दैट इज द जर्नी आउट ऑफ द लाइफ टूवर्ड्स द डेथ. ठीक है, तो वो स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहती थी, ना सिर्फ वो बॉडीली एक मटीरियल फ्रीडम चाहती थी बल्कि वो एक स्पिरिचुअल फ्रीडम वो चाहती थी. और वो जो उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो हमेशा उसके साथ रहे हैं, वो उनसे भागना चाहती थी. तो दैट इज बेसिकली द मेन थीम ऑफ दिस पॉइंट. उसके अंदर फिर वो लेडी गॉडिवा की भी का एक एलेगरी यूज करती है. एरियल एक घोड़े का नाम यूज करती है जो कि सिर्फ ना सिर्फ एक घोड़े का नाम है बल्कि एक फरिश्ते जो सेल्फ था, एरियल था, एक उसका भी नाम है. तो दैट इज द थिंग कि वो इस तरह से बेसिकली इसकी जो मेन थीम है वो है फ्रीडम, कि वो आज़ादी चाहती है किसी ना किसी तरह, और वो हर तरह से मतलब अपनी लाइफ खुद से जीना चाहती है, जैसे मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी जूं. तो असल में सिल्विया प्लाथ का भी यही नारा था. तो यहाँ पे देख लेते हैं जनाब, यहाँ पे देखते हैं द पोएम एरियल इज क्लेवरली रिटन बाय सिल्विया प्लाथ. शी एक्सप्लेन्स हाउ शी एंजॉयज हॉर्स राइडिंग एवरी वीक ऑफ हर लाइफ. ठीक है, वो बताती है, मतलब एरियल जो है उसकी सिल्विया प्लाथ ने लिखी है और उसने बताया कि हाउ शी एंजॉयज हॉर्स राइडिंग एवरी वीक ऑफ हर लाइफ. दिस हॉर्स राइडिंग इज नथिंग बट द जर्नी ऑफ लाइफ. ये हॉर्स राइडिंग और तो कुछ नहीं है बल्कि वो सिंबलाइज कर रहा है उसके जर्नी ऑफ लाइफ को. देयर इज अ डीप मीनिंग हिडन इनसाइड दिस पोएम. ईच लाइन स्टेटेड इन ईच स्टैंजा इज मीनिंगफुल एंड एवरीवन कैन पिक अप सेवरल मीनिंग फ्रॉम इट.
everyone is doing this horse riding every day. But the irony is that no one is aware of it. Then the poet tells everyone to come out of the house and take a ride. This life is bounded between all of those tasks which are not that important if we give a wise look at them. Therefore, poet is explaining her own way to enjoy her ride. ठीक है, लाइफ जो है वो बाउंडेड है बिटवीन ऑल दोस टास्क जो कि शायद इम्पोर्टेंट नहीं है इफ वी गिव अ वाइज लुक एट देम. देयरफॉर पोएट जो है वो अपना ही वे ऑफ एंजॉय हर लाइफ जो कि राइड करती है वो बताती है. सिल्विया प्लाथ इज अ पोएट हु हैज रिटन ऑन वेरियस टॉपिक्स. शी इज अ वेरी क्लियर विद हर थॉट्स एंड शी वांट्स टू एक्सप्लेन टू हर रीडर्स. शी इज एक्सप्लेनिंग द जॉय व्हिच इज हिडन इन दिस लाइफ. ठीक है, अब वो एक्सप्लेन करती है उस जॉय को जो कि उसकी लाइफ में हिडन है. एवरीवन टेक दिस जॉय फ्रॉम एनी सिचुएशन. समवन इज विशिंग टू टेक अ राइड ऑफ रियल लाइफ देन ही और शी वुड टेक अ लुक एट दिस पॉइंट. यू कैन इमेजिन दिस लाइफ एज ब्यूटीफुल ओनली इफ यू फॉरगॉट अबाउट दोज बिजी स्केड्यूल्स एंड टायरिंग टास्क. ठीक है, अब वो यहाँ पे विश करती है कि वो राइड करे फॉर रियल लाइफ देन ही और शी शुड टेक अ लुक एट दिस पॉइंट. और यू कैन इमेजिन दिस लाइफ एज ब्यूटीफुल. इस लाइफ को आप उतना ही ब्यूटीफुल इमेजिन कर सकते हैं ओनली इफ यू फॉरगेट अबाउट दोज बिजी शेड्यूल्स एंड टायरिंग टास्क. जस्ट फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज. सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. द डूइंग इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम. ठीक है, सक्सेस जो है वो एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसमें कुछ कर गुजरना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन द आउटकम, बजाय इसके कि हम उसके रिजल्ट को देखें, उसके आउटकम को देखते हैं. अब इसके टाइटल को देखते हैं कि इसका टाइटल क्या है. द पोएट हैज गिवन अ मीनिंगफुल टाइटल टू दिस पोएम. इट्स एरियल. ठीक है, उसने टाइटल क्या दिया, एरियल. और ये बहुत मीनिंगफुल टाइटल है. दिस टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट. देख लें जी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऐसे करते हैं. दिस टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट एज एरियल इज द नेम ऑफ हॉर्स व्हिच पोएट यूज्ड टू राइड एवरी वीक. दिस हॉर्स इज द स्पिरिट ऑफ पावर एंड रिफ्लेक्स स्पीड. द राइड व्हिच गोज बियॉन्ड सन रेज इज सो ब्यूटीफुल. नो वन कैन अवॉइड प्रॉब्लम्स इन लाइफ. दीज प्रॉब्लम्स वे नॉट मे बी हॉट लाइक सन रेज. ठीक है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि hot they like sun rays, but if the person goes with the speed of horse then these problems are nothing. Sometimes it's the journey that teaches you a lot about your destination. Kabhi kabhar zindagi ka safar hi aapko itna kuch sikha deta about your destination. The poet is explaining everything in her own style and in a very diplomatic way. Theek hai, poet jo hai har cheez apne hi style mein bade diplomatic way mein batati hai. Sylvia Plath, a confessional and autobiographical poetess, is known to us for her extremely subjective poetry. Most of her poems focus the fears and psychological problems that she had. Ariel is one of the posthumous poems. This is a complicated poem, rich in imagery and meaning. Because iske andar bahut zyada imagery hai aur meaning hai. In Ariel, the experience of riding a horse becomes a metaphor for the process of writing a poem. अब ये जो एरियल है जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस बताती है एक राइडिंग अ हॉर्स, एक हॉर्स पे जो वो राइड कर रही है, अब ये मेटाफर बन गया प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पोएम. लास्ट अटेनमेंट ऑफ पोएटिक मास्टरी. एरियल ड्रॉज इट ऑन मिथ ऑफ ट्रांसेंडेंस थ्रू द एक्सटेसी ऑफ फिजिकल मोशन एंड एक्सटेसी व्हिच इज सीन एज ट्रांजिटरी एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन. एक ऐसी एक्सटेसी ऑफ फिजिकल मोशन जो कि क्या थी, एक ट्रांजिटरी भी थी. ट्रांजिटरी यानी कि चेंजिंग थी और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी थी. फाइंड एक्सटेसी इन लाइफ. द मेयर सेंस ऑफ लिविंग इज जॉय एनफ. द पोएम इज हाईली मेटाफोरिकल इन दैट एरियल इज द नेम ऑफ हर फेवरेट हॉर्स. इट कैन बी एरियल इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट विद एरियल पार्ट्स बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन. एरियल इन हेब्रू मीन्स लायन ऑफ गॉड. The poem moves from status in darkness to the cauldron of morning. ठीक है, अब वो जो poem है अब वो status in darkness से यानी के अंधेरे से कहाँ जाती है, उजाले की तरफ जाती है. It is journey from scratch to the accomplishment. और ये जो है journey है एक scratch से accomplishment की तरफ. A ride into eye of the sun. A journey to our death. और एक ride जो के वो eye of the sun की तरफ है यानी के journey to the death. A stripping of personality and selfhood.
और वो उसकी स्ट्रिपिंग ऑफ है उसकी पर्सनैलिटी और सेल्फहुड की, लाइक हर, यानी कि वो अपने आप को सबके सामने एक्सपोज करने जा रही है. लाइक हर अदर पोएम्स, शी पुट्स डाउन हर ग्रीवेंसेस एंड रिसेंटमेंट ऑफ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल एज अ सोसाइटी एज लार्ज. Ariel is a state of inaction. There is a complete darkness and image for hopelessness. ठीक है, Ariel जो है वो state है एक inaction की, और यहाँ पे भी complete darkness है, image है hopelessness का. She visually creates an altar for of Thor, probably there for her crucifixion. She is God's lioness, all ready to surge forward passionately. वो ऑलरेडी गॉड लायनेस है जो कि फॉरवर्ड पैशनेटली, यानी कि बहुत मतलब एक जिस्ट एंड जील के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है. पैशन इज एनर्जी, फील द पावर दैट कम्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइट्स यू. शी एंड द एरियल आर अनफियंड, वो और एरियल जो है वो बिल्कुल अनफियंड है. दे आर मूविंग फॉरवर्ड मेकिंग देयर वे थ्रू सॉफ्ट एंड हार्ड सॉइल. She finds it difficult to hold on to the neck of the fast moving horse. The purpose, favors and incidents of past have cast much gloom over her, but she has resolved to shake them off. The black sweet blood mouth full of temptation proffered by others, her domination, dominating mother's expectation and praise of success for example, or now shadows left behind in that last breath in time. ये जो उसकी बात होती है ना, ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल, एक तरफ वो ब्लैक कहती है, फिर वो कहती है ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल. ये जो ब्लैक है वो बेसिकली उसकी वो विशेज है जो कि डार्कनेस में है, जो वो पूरा करना चाहती है लेकिन वो पूरी हो नहीं पाती. और स्वीट माउथ, स्वीट ब्लड माउथफुल, ये उसका मतलब वो तमाम विशेस हैं. वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, तो ये वो सारी ख्वाहिशात हैं जो कि उसका मुंह उन ख्वाहिशात से भरा हुआ है. वो उनको पूरा करना चाह रही है, बट देयर इज एवरीवेयर देयर इज डार्कनेस एंड डार्कनेस. ठीक है, वो ये वो ब्लड माउथ फुल्स हैं, ये उसकी वो विशेस हैं जो कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस में है, या वो ऐसी उसकी क्रेविंग है लाइफ की जो कि वो पूरा करना चाह रही है लेकिन वो उसको पूरा कर नहीं पा रही. और फिर वो क्या कहती है, ये उसकी डोमिनेटिंग मदर एक्सपेक्टेशंस है शायद, और उसकी प्रेज ऑफ सक्सेस है फॉर एग्जांपल, यानी कि बीइंग अ मदर भी वो एक अच्छी माँ बनना चाहती थी लेकिन बीइंग जो है क्या कहते हैं प्रोफेशनल, वो ना तो एक अच्छी माँ बन सकी और ना ही वो उस तरह से अपना करियर जो है वो आगे चल सका, आगे लेके चल सके. यानी कि वो दो घोड़ों में सवार हो गई थी एक्चुअली, ना तो वो इधर की रह सकी ना फिर वो उधर की रह सकी. और नाउ शेडोज लेफ्ट बिहाइंड इन दैट ब्रीथ ऑन द डार्क, ठीक है, और सिर्फ शेडोज जो है वो पीछे रह गए जो कि डार्कनेस में ब्रीथ करते रह गए. यानी कि ये उसकी वो ख्वाहिशात हैं, ये उसके वो शेडोज हैं, उनकी ख्वाहिशात के शेडोज हैं जो कि इनकम्प्लीट रह गए और वो कभी भी कम्प्लीट ना हो पाए. उसके बाद नाउ समथिंग एल्स हॉल्स मी थ्रू एयर, अब फिर भी वो जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो उसको तंग करती हैं, वो उसको विस्पर करती हैं. बहुत सारी ख्वाहिशात होती है ना हमारी, विस्पर करना शुरू कर देती हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता. बेटा जी जो नहीं हुआ ना वो अच्छे के लिए नहीं हुआ, वो अल्लाह की तरफ से ही होता है जो नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पे उसकी वही हॉल्स जो है वो उसको थ्रू एयर सुनाई देती है, एंड दैट इज फोर स्पिरिट ऑफ एरियल, और ये वो फोर स्पिरिट है ऑफ एरियल जो कि चाहता है कि वो अब आजाद हो जाए, वो अब कंप्लीट हो जाए. ये उसकी वो ख्वाहिशात हैं जो चाहती हैं कि वो आजाद और कंप्लीट हो जाए. एंजॉयमेंट इज एन इनक्रेडिबल एनर्जाइजर टू द ह्यूमन स्पिरिट. शी हैज फ्रीड हरसेल्फ लाइक गॉडिवा हू रोड नेकेड ऑन अ हॉर्स सो दैट हर हस्बैंड वुड reduce taxes on the public. She is tired of the dead stringencies and limitations that life brought to her. वो tired है उस dead stringencies से और limitations से that life brought to her, जो कि जिंदगी उसके रास्ते में ले आई. She is in state of ecstasy and pleasure that she forms creating a glitter of seas. अब वो जो है state of ecstasy और pleasure और वो उसके लिए glitter of seas, समंदर के ऊपर देखें कितनी झाग बनती है.
वो सारी की सारी झाग के साथ अपनी ख्वाहिशात को कंपेयर करती है कि जितनी समुंदर के ऊपर झाग है उतनी मेरी ख्वाहिशात है और सब इनकम्प्लीट है। दे आर जस्ट ग्लिटर ऑफ सीज के वो सी के ऊपर बस चमक रहा है, नथिंग एल्स। शी इज अनेबल टू डिसाइड वेदर शी इज एन एरो व्हिच इज टू किल और ड्यू दैट इज टू बी किल्ड। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो ऐसी कोई एरो है व्हिच इज टू किल, जिसको किल करना है, या फिर कोई ऐसी ड्यू है हवा में, एक ऐसा कोई कतरा है दैट इज टू बी किल्ड, जो कि बहुत जल्दी वो एक वैसा वेपर है जो कि एवेपोरेट हो जाएगा। हाउएवर शी इज एक्सपेक्टिंग टू रीच द डेस्टिनेशन सच दैट लाइट इन रेड और परहैप्स डेथ इन द रेड। व्हाइल आई थॉट दैट आई वाज लीनिंग हाउ टू लिव आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू डाई। ये सिल्विया ब्लाथ ने कहा था कि व्हाइल आई थॉट कि जब मैं ये सोचती हूँ आई वाज लीनिंग हाउ टू लिव तो कि मुझे कैसे जीना था, तो हमेशा मैं ऐसे ही लर्न करती रही कि हाउ टू डाई, कि मरना कैसे, यानी कि जीने की तमन्ना करके वो मरने के बारे में सीखती रही। उसके बाद थीम्स है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इट्स सरफेस। एरियल इज अबाउट अ वाइल्ड हॉर्स बैक राइड। अब बेटा ये देखिए, अब इस सारे उसको कुछ एक्सप्लेन करने के बाद अब हम थीम्स की बात करते हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जब हम उसके अंदर से थीम्स निकालते हैं ना, आप लोग थीम्स निकाल रहे थे लेकिन डिटेल्ड थीम्स नहीं निकाल रहे थे। अब देखिए थीम्स क्या होती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन थीमेटिकली होती है कि जब आप वर्ड टू वर्ड उसको क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसकी थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन इट्स सरफेस लेवल इट इज अबाउट अ वाइल्ड हॉर्स बैक राइड, बट व्हेन वी रीड जस्ट अ लिटिल बिट मोर क्लोजली वी सी द पोएम इज इंटरेस्टेड लेस इन एक्चुअल हॉर्स बैक राइड एंड मोर इन ट्रांसफॉर्मेशन देन हैपन विद इन द स्पीकर। As she is on that horse, the speaker transforms from a woman who tries to hold on to Ariel for the dear life. Speaker जो है वो transform होती है from a woman जो कि try करती है कि वो Ariel को for dear life मतलब hold कर सके, to a woman who summons the power of horse. एक woman जो कि चाहती है कि उसके अंदर भी वो power of horse आ जाए and who is no longer afraid to lose her grip. और जो अपने loss of her grip जो है और उसको ये खौफ ना हो कि उसकी ग्रिप जो है वो उसकी जो ख़त्म हो जाएगी। शी फाइंड फ्रीडम इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस और वो जो है ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस में फ्रीडम चाहती है एंड लीन्स टू चैनल द वाइल्ड एंजल ऑफ एरियल और वो जो है लीन करना चाहती है उस चैनल द वाइल्ड एनर्जी ऑफ एरियल, एरियल की वाइल्ड एनर्जी को वो हासिल करना चाहती है। बेटा समंदर है ना, समंदर का किनारा होता है, पानी जब तक समंदर के अंदर रहता है उसको हम समंदर कहते हैं। लहरें जब साहिल पे से भी क्रॉस कर जाती हैं उसको हम तूफान कहते हैं। इट मींस कि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज की एक बाउंड्री होती है। ख्वाहिशात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो तूफान बन जाती है। और समंदर की हल्की हल्की आवाजें आती रहें वो अच्छी लगती हैं, लेकिन समंदर का जो तूफान होता है ना वो सब कुछ जो है ना उसको शैटर कर देता है। तो ये वही ख्वाहिशात हैं जो यहाँ पे पोएम में दिखाई जा रही हैं सिल्विया ब्लाथ की, जिसने उसकी पूरी की पूरी लाइफ को शैटर कर दिया। हर चीज की एक लिमिट है, एक पॉन्ड है, वो मछली होती है ना समंदर में रहती है तो जिंदा रहती है, समंदर से बाहर छलांग लगा दे यानी कि अपनी लिमिट से अगर वो बाहर आ जाए ना तो वो मर जाती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की लिमिट्स बनाई हुई हैं, जब हम लिमिट्स से क्रॉस करना चाहते हैं ना तो बेटा फिर यही होता है जो कि सिल्विया ब्लाथ के माइंड में एनर्जीज चल रही थी। फिर वो पार की बात करती है यहाँ पे, थीम ऑफ पार। व्हेन एरियल बिगिंस द स्पीकर इज पावरलेस, एरियल टेक्स ऑफ एट अ वाइल्ड गैलप एंड द स्पीकर कैन नॉट कंट्रोल फॉर हर हॉर्स एट ऑल। द कूल थिंग अबाउट द पोएम दो इज दैट इंस्टेड ऑफ गेनिंग पावर बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द हॉर्स, द स्पीकर गेन्स हर पावर बाय सबमिटिंग टू द हॉर्स बाय बिकमिंग एट वन विद द हॉर्स विल, बाय गिविंग अप हर डिजायर एंड नीड टू फॉर कंट्रोल एंड लर्निंग टू लेट लूज, द स्पीकर इज एबल टू चैनल द पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। उसके बाद मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखते हैं। मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड,
It is more like women and the natural world in this case. Ariel tells the story of speaker's transformative experience when she gets up close and personal with nature, and she leaves to give up her desire for control and accept the craziness of all Mother Nature. While at first speaker is fearful of Ariel, and who could blame her, by the end of the poem, the speaker becomes at one with her horse. She learns the way to gain power is not to attempt the change Ariel. उसको पता चल जाता है कि खाली पार गेन करने से वो एरियल नहीं बन जाएगी, बट टू एक्सेप्ट हर वाइल्ड नेचर, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना उसकी अपनी ही वाइल्ड नेचर को. नेचर गोना डू व्हाट इट्स गोना डू. नेचर वो कर जाती है जो वो करना चाहती है. वी आर ऑल जस्ट अलोंग फॉर द वाइल्ड राइड, और हम सब जो हैं उस वाइल्ड राइड पे सवार हैं. डेथ सिल्विया प्लाथ, हर नेम्स ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद सुसाइड इन पॉपुलर कल्चर. So it's really no surprise that Ariel deals with death. But don't get too down when reading this poem. Death here is actually a pretty positive thing. It's more of a metaphorical death than a real death. It's about the transformation of a fearful woman into a powerful woman. Ye transformation hai ek fearful woman ka into a powerful woman. The death in the poem is the death of the speaker's former fearful self. Good riddance, if you ask me, as far as class poetry goes, death in Ariel is pretty darn optimistic. Ab conclusion ki taraf chalte hain. The poem is probably Plath's finest single construction because of the precision and depth of its images. In it, account of the ritual journey towards the center of the life and death. Ritual kehte hain aapko traditional journey. ठीक है, जैसे हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हम अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो ये भी सेंटर ऑफ द लाइफ एंड डेथ का एक रिचुअल जर्नी था. प्लाथ परफेक्ट मेथड ऑफ लिविंग फ्रॉम इमेज टू इमेज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट मेंटल प्रोसेस. द पोएम हैज डैजलिंग इमेजरी, विविड इमोशनल रेजोनेंस, हिस्टोरिकल पार्टिकल एल्यूजन एंड अ ब्रेकिंग ब्रेथ टेकिंग सेंस ऑफ मोमेंट. Critics tend to discuss the poem as exploration of several different subjects, including poetic creativity, sexuality, Judaism, animism, suicide and death, self-realization and self-transformation in mind. Ariel does not give us much in terms of setting. The poem begins before dawn in darkness and ends as the creepy red sun is rising. We get only little flashes of the scenery around our speaker, the furrowed ground, the dark berries. Still, the poem uses those brief snippets of landscape to underscore the speaker's transformation from frightened rider to unrestrained spirit merging with creation. You see at the end of the poem, the speaker is at one with the arrow. ठीक है, that is Ariel. Speaker जो है वो कभी arrow बन जाती है जो कि Ariel है. Along the way up, she is also as one with the field around here. And now I form to beat a glitter of sea. ठीक है, अब वो अपने आप को एक emerging woman के तौर पे पेश करती है. कभी वो अपने आप को एरो कहती है, कभी वो उसको फॉर्म टू बीट कहती है, कभी वो अपने आप को ग्लिटर ऑफ सीज कहती है. इवन द साउंड ऑफ सेटिंग इज फ्यूजन इनटू वन विद द फिजिकल सराउंडिंग. द चाइल्ड क्राई मेल्ट इन द वॉल. ये जो चाइल्ड क्राई मेल्ट इन द वॉल क्या है, फॉरेस्ट के अंदर ये चाइल्ड क्राई जो है वो वॉल के अंदर दब के रह जाती है. यानी कि ये उसकी तमाम ख्वाहिशात है जो वो समंदर की लहरों की तरह तो इमर्ज होने की कोशिश करती हैं, फॉर्म ऑफ द सी की तरह तो आगे जाने की कोशिश करती हैं, बट दीज आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड क्राई. दीज आर जस्ट वो उसकी ऐसी इनकम्प्लीट विशेस थी, या ऐसी अनकम्प्लिश्ड विशेस थी जो कि वो उसके अंदर जो है उठती तो थी लेकिन वो कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकी. इन द वे द स्पीकर जॉइंस द हॉर्स इन द काइंड ऑफ कॉस्मिक फ्यूजन. शी इज एंटीसिपेट्स दैट मूव बाय फ्यूजन इनटू सेटिंग एज वेल. सिल्विया प्लाथ पोएम एरियल ड्रामेटाइजेस दिस वेरी फीलिंग. दिस ओह नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी मेक इट स्टॉप फीलिंग. और ये जो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है वो भाई ये कैसे हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, टू मेक मी, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये हर वक्त मैं ही, मेरी ही क्यों, ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं ये इंसान को बेसिकली फ्रस्ट्रेट करती हैं. और ये
to make me it stop feeling and it work on two levels. ये दो levels पे काम करती है. It was about losing your grip on the horse. Actually हमें डर होता है कि हमारे horse से हमारी grip जो है वो lost ना हो जाए. That is galloping way too fast. क्योंकि बहुत आगे जा रहा है. And about losing your grip in more metaphorical way, losing your grip on life itself. जब हम life से अपनी ही grip जो है वो lost कर देते. The scenery around around our speaker, the furrowed ground, the dark valley. Still, the poem uses those brief snippets of landscape. ये बेटा ये सारा हम अभी पढ़ चुके हैं. You see at the end, the poem speaker is at one with arrow, that is Ariel. ये भी हम पढ़ चुके हैं. और वो dramatize करती है this feeling, this oh no, what is happening? Plath, who suffered from severe depression and eventually killed herself, knew what it was like to lose her grip on her experience of the poem. If you have ever felt a bit out of control, a bit like world is flying by too fast, then Ariel is the poem for you. The eagle has no fear of adversity. Eagle ke andar koi fear of adversity nahi hota. We need to be like the eagle and have a fearless spirit of a conqueror. Theek hai, hamare andar jo hai ek eagle ki tarah ka spirit hona chahiye, ek fearless spirit hona chahiye aur wo bhi ek conqueror ki tarah. अब इसके अंदर एट द एंड बेटा इसका जो लुब्बे लबाब है वो यही है. एक खातून है, एक औरत है जो कि अपनी जो लाइफ शेकल्ड लाइफ है जो कि नॉर्मली खवातीन को लगता है कि जी हम शादी करके फंस गए और मर्दों को भी यही लगता है कि जी शादी करके फंस गए. एक्चुअली बेटा वो फंसना नहीं होता. मैंने कहा ना डिफरेंट रिलेशन, उनको निभाने के डिफरेंट पैमाने और डिफरेंट तरीके. जब हम उन पैमानों पे पूरे नहीं उतरते तो फाइनली हम फेल हो जाते हैं. मैथ्स का पेपर देने के लिए मैथ्स का पैटर्न और जो इंग्लिश का पेपर देने के लिए इंग्लिश का पैटर्न, और इसी तरह हर रिलेशन को निभाने के लिए डिफरेंट पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं. वो हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं. जब हम उन बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्चुअली पता क्या है, हमारे अंदर जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं है. ठीक है, हमारे अंदर जब एक्सेप्टेंस का मादा खत्म हो जाता है ना तो बेटा इसी तरह की फ्रस्ट्रेटेड लाइफ का हिस्सा हम बन जाते हैं. मैंने कई ऐसे मर्द भी देखे अपनी लाइफ के अंदर जो कि ये कहते थे कि डोंट इंटरफेयर इन आवर लाइफ. ठीक है, मेरी लाइफ में अपनी बेगमात को कहते थे कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और बिकॉज दैट इज़ माई लाइफ, तो मैं जो मर्जी करूँ ना, तो मेरा सिर्फ मैं कमा के ले आता हूँ एंड दैट इज़ ओके फॉर यू. और इससे आगे जो है तुम लोगों को कोई इख्तियार नहीं है, ना बीवी को ना बच्चों को, कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर हो. और बाज़ औक़ात देखिए दोनों तरफ ही है ये चीज़, और बाज़ औक़ात ऐसे मर्द भी औरतें भी मैंने देखी कि जो ये चाहती हैं कि क्या बच्चे, क्या शोहर, क्या घर, हम किधर फंस गए. और अक्सर मैंने कहा ना मुझे लेडीज आके, अनफॉर्चुनेटली मैम हमारी शादी हो गई और फिर वो बच्चे हो गए तो मैं पढ़ नहीं सकी. लाइफ के अंदर मैंने कहा ना आपके आगे जब आता है ना ब्रेक्स आ जाते हैं तो बेटा बैक गियर लगाना पड़ता है, नहीं तो वो जो गाड़ी होती है ना वो टूट जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है. और गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है ना सिर्फ गाड़ी की इंजरी होती है बल्कि हमारी भी हड्डियाँ टूट जाती है. तो दैट इज़ द सेम थिंग. आपको एक छोटा सा शेर सुनाती हूँ, एक छोटी सी नज़म है, सुनिएगा. वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम को आशिकी समझते थे, आशिकी रखते थे. जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी रखते थे, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. ठीक है, तो बेटा बजाय इसके कि दोनों को अधूरा छोड़ दें, टाइम पे कर लेना काम. कि हमारे पैशंस जिंदगी के बेटा सबके होते हैं. जिंदगी में हर इंसान के बहुत सारे पैशंस होते हैं, लेकिन उस उन पैशंस को कंप्लीट करने का कुछ टाइम भी होता है. ठीक है, हर चीज का बेटा टाइम होता है. और बीइंग अ वीमेन, मैंने आपको बताया ना
एक औरत होने के नाते बेटा हमारा रोल बहुत ज्यादा है, हमारा रोल ज्यादा है एज कम्पेयर टू मर्द, और हम अपने रोल्स छोड़ के मर्दों की तरह घोड़े पे सवार होना चाहते हैं, तो एंड बेटा डिस्ट्रक्शन ही होगा। क्योंकि दुनिया अल्लाह ने बनाई, जेंडर्स भी अल्लाह ने बनाए, उनको टास्क भी अल्लाह ने दिए। ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरे अल्लाह ने मुझे दी है, और अगर मुझे औरत बनाया वो भी मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया। अब मैं ये नहीं कह सकती कि अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी हो गई, अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे पैदा हो गए, अनफॉर्चुनेटली मैं घर से नहीं निकल सकती, या अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करे। दैट इज नॉट अनफॉर्चुनेटली, दैट इज फॉर्चुनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे बीवी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे माँ बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे औरत बनाया। और बेटा ये बेचारी औरत का लेबल अपने ऊपर मत लगाएं, हम बेचारी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान को जो एक एलिवेटेड मकाम औरत को दिया है, औरत खुद समझने से कासिर है। हमने खुद तो अपने आप को बेचारा बना दिया। अल्लाह ताला ने कहा ना कि औरत वो कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता। अब वो स्पिरिचुअली हो या जैसे मर्जी हो, हजरत उमर मुसलमान क्यों हुए थे? उनकी जो बहन थी वो तिलावत कर रही थी, वो आयात सुनी थी, नहीं तो वो तो कत्ल करने जा रहे थे ना अपने बहनोई को। लेकिन आयात सुनने की देर थी, बहन की आवाज में आयत सुनी थी, तो भाई का दिल पिघल गया था और वो उसी वक्त तलवार गिर गई थी वो आयात सुन के, और वो इस्लाम ले आए थे। तो बेटा औरत वो कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता। आई एम प्राउड टू बी अ वीमन, एंड आई एम प्राउड कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ। मैं वो करना पसंद करती हूँ जो मेरे अल्लाह ने मुझे टास्क दिया है, और मुझे अल्लाह ताला ने एक टास्क दिया है बीइंग अ वीमेन, बीइंग अ मदर, कि मुझे नेशंस को ब्रॉट अप करना है। और इससे अच्छा टास्क तो मैं शायद दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकती थी। अगर मैं मर्द होती तो मैं तो खाली कमा रही होती, ये बाहर की गर्मी और बाहर की धूप और लोगों के ताने कौन बर्दाश्त करे। कभी मर्दों से पूछें जाके बाहर, जब वो जॉब करने जाते हैं और उनका बॉस जब उनको कुछ कहता है तो घर आके हस्बैंड का मूड कितना खराब होता है, वहीं से पता चल जाता है। जरूर ऑफिस में पूछ लो, मैं तो नहीं भाई बर्दाश्त कर सकती। मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, जब भी मुझे जॉब का नाम लेता था ना घर में कोई, और कोई मुझे कहता था जॉब कर लो, मैंने कहा भाई एक मियाँ की नौकरी काफी है, ये इससे ज्यादा बंदों की मेरे से नौकरी नहीं होती भाई। मियाँ की नौकरी कर सकती हूँ, अपने बच्चों की भी कर सकती हूँ, अपने घर में भी कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा भी लगा सकती हूँ, अपने माँ बाप की भी कर सकती हूँ, जितने ब्लड रिलेशन है मैं खुशी खुशी नौकरी करूंगी इनकी, लेकिन ये बाहर के लोगों की मेरे से नौकरी नहीं होती। नौकरी है ना, जॉब है ना, नौकरी है भाई, तो ये मर्द ही करें भाई, इनका काम है कमाएं, कमा के हमें खिलाएं, हम क्यों करें भाई। तो मेरी ये सोच है कि नौकरी नहीं करनी सिवाय मर्द के ना। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर थी, अभी भी है माशाल्लाह, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो शी वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर, मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ तुम्हारी कैसा रहा एक्सपीरियंस, तुमने एयरफोर्स छोड़ दी, खैरियत थी? तो कहती आज मैं सही बताऊं यार, मैं नौकरी कर करके थक गई थी। ये दो दो बॉसेस की नौकरी नहीं होती, घर में आओ तो मियाँ की नौकरी करो, बाहर जाओ तो बॉस की नौकरी करो, वो एक ही बॉस काफी है, वो हमारा हस्बैंड है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग के आई एम एट होम। और वो कहती है कि मैंने अब लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया जब मैंने जॉब छोड़ दी, लिटरली ये उसके वर्ड्स थे। और नॉट ओनली शी इज द वन, मैंने कई ऑफिसर्स को देखा, वो अभी भी मुझे यही कहती हैं कि वो जो हाउसवाइफ वाली लाइफ है ना वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू बी अ जॉबी। तो एंड पे जाके उस वक्त हमें लग रहा होता पता नहीं हमने क्या कर लिया, और लिटरली ये उनके वर्ड्स हैं। मैंने कई लोगों से पूछा आपने जॉब क्यों छोड़ी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट योर जॉब एंड दिस एंड दैट, तो कहते हैं हम दो कश्तियों में आसमां सवार हो गए यार, ना पूछो, दैट इज अ वेरी मतलब ये एक बहुत अजीब सी। ज्यादा से ज्यादा हम लोग शायद ये समझ रहे होते हैं कि हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर लेंगे, और ये है वो। बट अब पहली बात ये कि जिंदगी में ना एक चीज याद रखिएगा,
कोई भी चीज पूरी हो जाए ना, जिंदगी में कुछ होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको सही बता रही हूँ। ये जो जरूरियात होती है ना जिंदगी की, हम खुद बना लेते हैं। मैंने कभी अपने अपने अब्बू से ना पॉकेट मनी नहीं मांगी, और सेम इज द लाइक माई हस्बैंड, जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली मुझे। आई वॉज वेरी हैप्पी बट आई एंड सिंस आई एम वेरी हैप्पी, मेरे पास जो भी है, वो सेहत है, वो आंखें हैं, वो नाक है, कान है, जो भी है, तीन जोड़े हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। पॉकेट मनी मांगने की कभी किसी से जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला जिंदगी में मुझे किसी चीज की जरूरत भी है। तो बेटा जरूरियात हम खुद बना लेते हैं, और ऐसा होना चाहिए। उसका हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड ऐसा, या उसके फादर ऐसे और मेरे फादर ऐसे, उसकी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ऐसी, उसका घर ऐसा, मेरा घर ऐसा, दैट इज द जस्ट, ये एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। इससे बेटा कभी जान नहीं छोड़ सकती अगर हम पड़ गए इसके अंदर। वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली लाइफ है ना बेटा, उसका कोई एंड नहीं है। और मैंने कहा ना, समंदर का पानी जब तक समंदर के अंदर रहता तो समंदर कहलाता है, और समंदर को हम लाइफ कहते हैं। जब हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं दिस इज द लाइफ। शायर जब समंदर को देखता है ना, सी को कहता है, तो वो कहता है वो देखो लाइफ है, वो उसको लाइफ के साथ कंपेयर करता है। लेकिन वो पानी जब बाहर टकराता है ना, तो उसको कहते हैं तूफान, वो सब कुछ खत्म करता है। तो बेटा ये जो ख्वाहिशात हैं, ये पैशंस हैं, सबके अंदर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि वी हैव टू बाउंड एवर सेल्फ। हर चीज़ बेटा लिमिटेशंस के अंदर अच्छी लगती है, हर चीज़ म्याना रवि में अच्छी लगती है। और ये एक मोमिन की पहचान होती है कि उसकी लाइफ बड़ी हम्बल होती है, वो बड़ा ही स्कैटर्ड पर्सनैलिटी नहीं होता। स्कैटर्ड लोग वो होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं सीख पाते, ज़िंदगी को जीना ऑर्गेनाइज करके जीना, ठीक है, इर्द गिर्द देखना। अब देखें सिल्विया प्लाथ की पोएट्री में क्या है, वो कहती है यार देखो मैं माँ भी हूँ, मैं माँ बन के जीना चाहती हूँ, लेकिन वो प्रोफेशनल भी बन के जीना चाहती हूँ। अब ना वो इधर की रह सकी, ना वो उधर की रह सकी, फाइनली उसने सुसाइड कर। मैं, मेरी आज की जो जनरेशन है, आज की माएँ हैं, आज की जो बच्चियाँ हैं, उनसे बेटा मेरी एक ही गुजारिश है, पहले 10 साल ना अपनी मैरिड लाइफ को दे दें, एक बीवी बन जाए, एक माँ बन जाए, उसको फुली एंजॉय करें, उस पर फुली टाइम स्पेंड करें। यू विल सी कि आपके घर के अंदर इतना सुकून पैदा होगा, वो सुकून और वो जो लाखों और करोड़ों गाड़ियाँ या पैसा या स्टेटस, वो उससे आपको नहीं मिलेगा। जो 10 साल आप अपने शुरू में घर को दे देंगी ना, वो, और घर में रह के देखें, हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम जिस जगह पे जिस पैंदे में होते हैं ना, मैंने कहा ना पानी बन जाए, पानी जब उसको फ्रीजर में रखा जाता है वो जम जाता है, फ्रीजर से बाहर निकाला जाता है वो फैल जाता है, ग्लास में डाला जाए तो ग्लास जैसा बन जाता है, फर्श पे फैल फेंक दे तो फैल जाता है, पानी बन जाए। जो जिस तरह का पैंदा है ना, उसमें अपने आप को मोल्ड करें, एक्सेप्टेंस सीखें लाइफ में। अपनी पहचान हम औरतों ने खुद ही खोई है, मर्दों ने हमारा कुछ भी नहीं किया। जब हम खुद मर्द बनने चल पड़े तो मुझे बताएं कि औरत की अपनी फिर पहचान क्या रहेगी, कुछ भी नहीं। और जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा तो क्या मर्द औरत की इज्जत करेंगे? औरत जब मर्दों की तरह बिहेव करेंगे, मर्द भी औरतों को मर्द ही समझेगा ना, मर्द औरत जब पेंट शर्ट में मर्दों की तरह लगेगी, तो आप मुझे खुद बताएं, वो हस्बैंड भी तो औरत को औरत की तरह डील थोड़ी करेगा, वो समझेगा मेरे आगे एक मर्द खड़ा। फिर वो औरतें रोती हैं कि हमारे शौहर हमें पता नहीं क्या समझते हैं। जेंडर बेटा इस चीज को समझे जरा, और ऐसी औरत पे लानत है ना जो मर्दों की मुशाबियत करती है, और ऐसे मर्द पे लानत है जो औरतों की मुशाबियत करते हैं। जब हमने पेंट शर्ट पहन ली, अल्लाह को कितना बुरा लगा, हम पे कितनी लानत, और फिर हम उस मर्द की तरह करने जा रहे हैं, तो फिर मेरे और मर्द में क्या फर्क रहा? वो शर्म, वो हया कहाँ गई?
वो ओपननेस अगर फ्रीडम